मैं अपना जो थियरी वाला चैप्टर अधूरा था, कंसेप्ट कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, याद है क्या? लास्ट में मैंने आपको वो थियरी में ऐसा सुनाया था, द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन। अभी टोटली थियरी है, एक छोटा मोटा भी अभी प्रैक्टिकल खत्म, वापस मैं वो चैप्टर पे चला गया। जानबूझ के दोनों को साथ में रखा था ताकि तेरे को खाली थियरी नहीं लगे। अगला चैप्टर भी मैं ऐसा ही लूंगा कि अपन आराम से सीख सके, टेंशन नहीं आवे और आप लोग समझ सको, थियरी हो भले। तो लास्ट टॉपिक में मैंने क्या लास्ट सिखाया था याद दिलाता हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग के फंडामेंटल कितने अजम्पशन है? आंसर 3। कल मैंने ये आखिरी सिखाया था, देर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटेंट। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न, ये बिजनेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी, जो भी काम करो वो रेगुलर करो, देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, याद आया क्या? कंसिस्टेंसी। एंड अक्रूअल कंसेप्ट, अक्रूअल मतलब जो ट्रांजेक्शन जब आवे तब वो ट्रांजेक्शन का बुक में एंट्री करने का। तो गोइंग कंसर्न फर्स्ट, क्योंकि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। सेकंड, बाबूजी आपको कंसिस्टेंटली जो भी मेथड जो भी पॉलिसी फॉलो किया है वो करना ही है। यू शुड नॉट मेक द चेंज इन द पॉलिसी प्रिंसिपल्स। एंड थर्ड, अक्रूअल, जो ट्रांजेक्शन जब ही आता है तभी आप उस ट्रांजेक्शन का एंट्री पास करना है, दैट इज कॉल्ड अक्रूअल। यहां से मुझे आगे चलना है बाबूजी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। अभी ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप बनाएंगे, तो मेरा प्रश्न यहां से आ रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आराम से सुनना है, फुल थियरी है, एकदम इकोनॉमिक्स जैसा है, कुछ आपको लिखना नहीं है। सवाल वापस बोलता हूं, क्वालिटेटिव, भाई साहब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे उसमें क्या क्वालिटी मतलब उसमें क्या अच्छे गुण होने चाहिए। बाबू जी आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना लिया, टेली कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि काम हो गया। उसमें अच्छी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो कौन सी? चलिए, बहुत सारी है बच्चा, मैं एक एक के बाद एक एक शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सीधी बात है यार, अगर जो मैं कुछ फाइनल अकाउंट बनाऊं, कुछ रिपोर्ट बनाऊं, कुछ स्टेटमेंट लिखूं, इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय रीडर्स यूजर्स, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट यार। तो पहली चीज याद रखना, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि जब कोई लेमैन मतलब ऑर्डिनरी इंसान भी उसको पढ़े ना, तो उसको बराबर समझना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ उसको अकाउंट का नॉलेज होगा, दैट इज अज्यूम्ड, एकदम कोई गवार छाप वाले की बात नहीं चल रही है, लेकिन मुझे कभी भी उसको कॉम्प्लिकेटेड वे से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मुझे कभी भी उसमें ऐसे हाईफाई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को मालूम नहीं पड़े, वो बेचारा कंफ्यूज हो गए और उसको मजा नहीं आ रहा, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट यार। तो पहला पॉइंट था अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। अपना सवाल था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इवन द कॉम्प्लेक्स मैटर मस्ट बी एक्सप्लेन इन द इजी मैनर। और ये रीडर को कंफ्यूज करने का कोई मेरा मकसद नहीं होना चाहिए ना, मैं उसको ऐसे लिखना चाहिए कि रीडर जो पढ़ रहा है मुझे मालूम है उसका क्या लेवल है, उसको समझे तो अच्छा है ना। तो पहली बात, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए फॉर यूजर। सेकंड थिंग, रिलेवेंस। बाबू जी रिलेवेंस मतलब
जो भी मैंने अंदर लिखा है रिलेवेंस मतलब सच्चा होना चाहिए। बाबूजी रिलेवेंस मतलब जरा सुना एक पॉइंट, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। इस साल का फाइनल अकाउंट है तो इस साल की बात ही लिखो, दो साल पहले क्या क्या था, चार साल पहले ए स्टोरी मत कर रहे, दो साल के बाद क्या करने वालों, तीन साल के बाद ए भाई शांति रख। रिलेवेंस मतलब तुम इस साल का, जैसे अभी अपन सीएफ का पढ़ाई कर रहे तो सीएफ की बात करना, मैं कुछ इंटर की बात करूं, मैं कुछ अभी कोई स्कूल सेक्शन की, तो सर ज्यादा मत बोलिए ना, जरूरत नहीं अभी। हाँ वहां का एग्जाम्पल अगर जो सीएफ के कनेक्टेड है तहां तक ठीक है, लेकिन मैं उधर की ज्यादा बातें करूं इधर का पढ़ाऊं नहीं, मतलब क्या हो गया वो पॉइंट नॉट रिलेवेंस। तो बाबू जी उसके अंदर वही चीज होना चाहिए विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर, मतलब पढ़ने वाले को इस साल का अपने बिजनेस का पूरा अंदाज आ जाना चाहिए। हमने इस साल में क्या योजनाएं बनाई, प्लानिंग क्या किया, इस साल की हमारी पॉलिसी क्या थी, हम लोग कितने सफल हुए, ये सब बोलना चाहिए इस साल का, ताकि हमारा प्रोग्रेस इस साल का क्या हुआ ना वो अपने को मालूम पड़े। सो इट इज कॉल्ड रिलेवेंस। इस साल का टोटल वेजेस कितना चुकाया, इस साल का इलेक्ट्रिक बिल कितना आया, प्रॉपरली सब लिखो ना रिलेवेंस। इस साल में हम लोग डिविडेंड कितना चुकाने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट में से डिविडेंड चुकाना पड़ता है। बाबू जी अनयूजुअल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी गिवन, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी गिवन, एनी एबनॉर्मल आइटम शुड नॉट बी शोन। जो नॉर्मल नहीं है इसको एबनॉर्मल, तो बाबू जी एबनॉर्मल आइटम भी अपने को बताना नहीं चाहिए। तो रिलेवेंस मतलब जो सच्चा है, जो इस साल का है, जो बिजनेस का है, वो सब अपने को शो करना चाहिए। पूरे साल में हमारे शेयर का प्राइस कितना प्लस माइनस हुआ, बाबूजी उसका एक पूरा चार्ट बताना चाहिए कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ऐसा 12 महीने का कि अपना क्या क्या शेयर का प्राइस था। रिलेवेंस, कोई झूठा कोई खबर देना ही नहीं चाहिए, एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एनी एरर, एनी फ्रॉडुलेंट फ्रॉड करने वाला इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहिए। रिलेवेंस मतलब जो सच्चा है, जो आपका है, जो इस साल के रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस। अब ये क्वालिटी होना चाहिए ना, आपका रिपोर्ट कोई पढ़ेगा तो उसको ये सब चीज चाहिए। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, बहुत बड़ी बात है। आपने फाइनल अकाउंट बनाया, आपने रिपोर्ट लिखा, अब इज इट रिलायबल, क्या इसके ऊपर हम कोई विश्वास रख सकते हैं? बाबूजी कितने अकाउंट्स हिंदुस्तान में बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, अभी कुछ टाइम पहले तो इंफोसिस के अकाउंटिंग के ऊपर भी इन लोगों ने सवाल है निशान खड़ा करके रखा है, और अभी भी वो तलवार लटक रही है अमेरिका के कोर्ट में कि इंफोसिस ने भी अकाउंट में घोटाला गफला किया था। इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला विसल ब्लोअर, कि जिसको ऐसा सब जाता है ना वो ऐसा सवाल उठाता है, और मैनेजमेंट को उसको प्रूव करना चाहिए कि नहीं नहीं हमने जो किया है वो बराबर है, विश्वास नहीं है, आपकी कोई गलत फहमी है या तो आपको ठीक से समझा नहीं है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू गिव ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। रिलायबिलिटी इसको बोलते हैं, मतलब विश्वास नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप जो रिपोर्ट हमको दिया है उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। बाबू जी कोई भी इंफॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं होना चाहिए, और सावधान कोई भी इंफॉर्मेशन में इंसान ने अपना खुद का विचार प्रकट नहीं करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बायस। बायस मतलब पर्सनल ओपिनियन, बाबूजी जो है वो बोलना, तू तेरा पर्सनल ओपिनियन क्यों रख रहा है? जरा सोच लीजिए, जो समाचार है वो बताइए, आप अपना ओपिनियन मत रखिए। रिपोर्टर जब समाचार लेता है ना तो उसको अपना ओपिनियन रखने का हक नहीं होता है, जो सामने दिख रहा है वो बताना। तो यहाँ अकाउंट में भी हमारे रिपोर्ट्स बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, बाबूजी देयर शुड नॉट बी माय पर्सनल ओपिनियन, वो रखने का तुमको जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो, लेट रीडर्स टू टेक द डिसीजन, लेट रीडर टू टेक एंड फॉर्म देयर ओपिनियन।
तुम उसको इन्फ्लुएंस करने का हक मत रखो. देयर इज रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीय होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच मिसलीड एनीबडी. बाबू जी हमारे तो आप न्यूज देखेंगे ना तो कभी कभी वो न्यूज सुन के भी अपन कभी कभी मिसलीड हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज ही ऐसा दिया जाता है ना. बाबू जी किसी को भी मिसलीड नहीं करो, ये बात ध्यान रखना. वी आर गाइडेड बाय मिसगाइडेड पीपल. ये मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बोला है. कोई भी अपने को कुछ भी सलाह देता है, अरे बाबू जी उसमें कुछ सच्चाई है क्या? आप उसको क्यों मान रहे हो? उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको सच्चाई मालूम नहीं है और वो आपको गाइड कर रहा है. इन मेनी केसेस आई हैव सेड दिस सेंटेंस, वी आर गाइडेड बाय मिसगाइडेड पीपल. तो बाबूजी अकाउंट में भी आप जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह बनाओगे, बाबूजी ध्यान रखने का कि वो किसी को मिसगाइड करने वाला नहीं होना चाहिए. कोई भी हाईली अनसर्टेन बातें हो उसको भी आप सही ढंग से पेश करो. बाबूजी रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ क्लेम इन द बैलेंस शीट. बाबूजी कोई भी अनसर्टेन बातें अनिश्चित हो उसको प्रॉपरली आप पेश करिए, उसको खोटी खोटी पेश मत करिए. कोई भी ऐसी चीज रिकॉग्नाइज मत कराइए बैलेंस शीट में कि नहीं नहीं ये पैसा मुझे आ जाएगा, ये हम लोग ने गुड्स लिया है तो इतना हमको प्रॉफिट हो सकता है. अरे होएगा तभी देखना. रियलाइजेबल कंसेप्ट अपन ने देखा है. आप ऐसी खोटी खोटी फेकम फेकी करेंगे कि ये गुड्स इतने में हम लोग बेच देंगे ऐसा वैसा, मतलब यू आर इन्फ्लुएंसिंग अननेसेसरी. ये काम अपने को नहीं रखना चाहिए. कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करना चाहिए. इंफॉर्मेशन रिलायबल वे से पेश करना चाहिए. कंपेरेबिलिटी. अब जी आपको एक बता दूं, कंपनी भारत में जो कंपनी अकाउंट बनता है कंपनीज एक्ट 2013, तो हमको हमेशा फाइनल अकाउंट है ना 2 साल का बना के पेश करना पड़ता है. 2 साल का यानी क्या? करंट ईयर एंड द लास्ट ईयर मींस प्रीवियस ईयर. हमेशा फाइनल अकाउंट को 2 कॉलम में पेश किया जाता है, करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर. आप बोलेंगे सर ऐसा डबल क्यों? लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर में बनाया था, आज उसको भी साथ में प्रिंट करके क्यों दिया जाता है 2-2 साल का? आंसर, स्टडी तो इसी साल का करना है लेकिन लास्ट ईयर का भी आंकड़े बाजू में रखे जाते हैं ताकि रीडर को इस साल के आंकड़े लास्ट ईयर के आंकड़े से कंपेयर करने का मौका मिलता है एंड आफ्टर कंपेयरिंग ही कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन. देखो ये कंपनी का नियम है भारत में. बाबू जी फॉरेन की कंपनियां तो 2-2 से भी ज्यादा 5-5, 10-10 साल का पूरा कॉलम बना के पेश करती है आंकड़े कि हमारा ये साल में इतना सेल था, ये साल में इतना, ये साल में इतना, ये साल में इतना. उत्तरी आपको लास्ट के 10 साल का सेल आंकड़े देख के मालूम पड़ता है कि यहाँ किधर जा रहा है. 10 साल के प्रॉफिट देख के मालूम पड़ता है बिजनेस किधर जा रहा है. हिंदुस्तान में तो कानून है 2 साल का, मतलब दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर, सो दैट यू कैन कंपेयर. मेरा पॉइंट था कंपेरेबिलिटी. फॉरेन कंपनियां ज्यादा साल का देती है. रीडर को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना. तुम कंपेयर करो ना भाई साहब, तुमको कौन रोकता है? तुम कंपेयर करो. हम कुछ झूठ बोले तो ऐसा लगे ना कि गलत है. हमारे यहाँ तो 2 ही साल का, आगे का अपने को भी याद नहीं होता, तो फिर आगे का रिपोर्ट मंगाना पड़ता है भाई 5 साल पहले क्या था, क्योंकि तो अपने रिपोर्ट में उन लोग 2 ही साल का चीज पेश करते हैं. देयर इज अ कंपेरेबिलिटी. बाबू जी हमने ठीक से कैश फ्लो, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया. बाबूजी हमने पूरे एसेट्स लायबिलिटी ठीक से ढंग से बताने चाहिए. कोई भी हम लोग ने चेंज इन पॉलिसी किया हो तो बोलना चाहिए. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का एक पॉलिसी था, इस साल का पॉलिसी चेंज है तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो इनकेस एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी सच थिंग मस्ट बी मेंशन एंड हाउ द डिफरेंस इज क्रिएटेड Due to change in policy must be mentioned. पहले तो पॉलिसी चेंज नहीं करने का मैंने कंसिस्टेंसी बोला ना. और मान लो कभी कभी पॉलिसी चेंज करना भी पड़ता है जी, तो करने के बाद क्या चेंज आया? नहीं किया होता तो क्या होता? किया तो क्या आया? कितना चेंज आया? ये सब आपको रिपोर्ट में लिख के देना चाहिए ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे. क्योंकि तो आपने कुछ चेंज किया है
और अपने को कंपेयर करना है, तो फिर तो चेंज के वजह से क्या फर्क पड़ा भाई अकाउंट्स में, इनकम में, प्रॉफिट में? प्लीज राइट एंड शो इट, ताकि कंपेयर करने वाला जो इंसान है उसको कहीं पे भी गलत फहमी ना रह जाए, कंफ्यूजन नहीं आए। तो ये जो चार मैंने प्रिंसिपल आपके सामने रखे ना, द फोर प्रिंसिपल, कौन से बाबू जी? ये चार क्वालिटी अभी बताई ना, पहली अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये चार जो है द फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये पहले अपने को फोर प्रिंसिपल इसको गिना जाता है कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के। बहुत सारे क्वालिटेटिव चीज है, लेकिन ये पहले चार क्वालिटी को प्रिंसिपल क्वालिटी कहा जाता है। कौन सी चार क्वालिटी को प्रिंसिपल क्वालिटी कहा जाता है? आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। बाबूजी, अंडरस्टैंडेबिलिटी फर्स्ट है। ये चार को प्रिंसिपल क्वालिटी गिना जाता है। आगे फिफ्थ, मटेरियलिटी। ये कुछ शब्द अपन ने कंसेप्ट में आगे देखे हैं। मटेरियलिटी मीन्स ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शोन इन द रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब जो जो इंफॉर्मेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बाबू जी, उसको बराबर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। एट द सेम टाइम इररिलेवेंट इमटेरियल इंफॉर्मेशन को शो नहीं करना चाहिए, ये भी बोलना है, क्योंकि ज्यादा छोटी छोटी बात को आप फैला फैला के लिखेंगे ना, विच आर नॉट मटेरियल, तो बाबू जी रीडर का भी टाइम पास होता है। सो ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीड टू बी शोन। ऑफकोर्स किसको मटेरियल बोलना और किसको मटेरियल है ना इंपॉर्टेंट, किसको मटेरियल बोलना किसको मटेरियल नहीं बोलना, दैट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑल्सो। क्या बाबू जी अमाउंट बड़ा है तो मटेरियल है, छोटा है तो जाने दो, लिख दो ऐसा ही सन्ड्री एक्सपेंस चलेगा। लेकिन कोई बड़ा अमाउंट है और आप सन्ड्री एक्सपेंस बोलेंगे ना, सॉरी नहीं चलता, यू मस्ट डिस्क्लोज इन डिटेल। तो किसको मटेरियल बोलना, दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, एट द सेम टाइम दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। बाबू जी छोटे बिजनेस के लिए 5-10 लाख बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा बिजनेस है उसके लिए 5-50 लाख तो बहुत छोटी बात है। तो अमाउंट एक बिजनेस के लिए तो मटेरियल है, और उससे बड़ा अमाउंट बहुत बड़े बिजनेस के लिए तो छोटी बात है। जरा समझ लेना, तो मटेरियल किसको बोलना ये आपको बिजनेस को भी देखना है, सर्कमस्टेंसेस को भी देखना है, ट्रांजेक्शन को भी देखना है, अमाउंट को भी देखना है, एंड देन यू शुड जज वेदर दिस इज मटेरियल और नॉट। हर चीज को एक ही ढंग से नहीं देखना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, साइज ऑफ द बिजनेस, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सर्कमस्टेंसेस, इसके आधार पे नक्की होता है व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल। नेक्स्ट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बाबू जी फेथफुल विश्वसनीय, रिप्रेजेंटेशन ऐसा करो कि आपके ऊपर कोई विश्वास रख सके, मतलब एसेट्स है, लायबिलिटीज है, सही अमाउंट, सही चीज सही ढंग से बताइए। कोई भी अभी बता ना, कैपिटल को अपन रेवेन्यू बता सकते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल बता सकते हैं, गलती हम कर सकते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है और कभी कभी हम लोग जानबूझ के करते हैं। देखो हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं मीन्स यू आर नॉट फेथफुल। तो रिप्रेजेंटेशन फेथफुल होना चाहिए ताकि जो रीडर है उसको कोई रिस्क नहीं आवे आपकी तरफ से। नेक्स्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं दो बार ये बोलूंगा, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस सच्चाई, ओवर फॉर्म। फॉर्म मतलब उसका जो प्रकार है, आकार है। बाबू जी कभी कभी क्या होता है जरा देखना, मैं आपका एक कॉलेज का उदाहरण लेता हूं। बाबू जी हर कॉलेज का रिपोर्ट है ना यूनिवर्सिटी मंगाती है,
एजुकेशन डिपार्टमेंट कि बच्चे लोग कॉलेज में रेगुलर आ रहे हैं क्या, लेक्चर हो रहे हैं क्या, अटेंडेंस बराबर है क्या। अब देखना, अब ये रिपोर्ट फॉर्म भरना पड़ता है, कॉलेज वाले को प्रिंसिपल ने साइन करना होता है। तो ज्यादातर कॉलेज सभी बच्चों का ये सब हाँ हाँ खाना पूर्ति कर देते हैं, हाँ बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज चल रही है, लेक्चर हो रहे हैं, सिलेबस हो रहा है, सब हाँ हाँ हाँ, और नीचे प्रिंसिपल का साइन सिक्का लगा दिया, ऊपर भेज दिया। इसको बोला जाता है खाना पूर्ति। इसका मतलब है ओनली फॉर्मेट एंड द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड। अब सच्चाई देखिए, अब जी कितने बच्चे आए, आप जरा देखिए कितने लेक्चर रेगुलर हुए, आप जरा देखिए कैसे सिलेबस खत्म हुआ। आप एक एक चीज पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा सर वो रिपोर्ट तो गलत था। बाबूजी 70% अटेंडेंस इज कंपलसरी, कितने सारे बच्चे हमारे भी थे इधर कि जिन्होंने 70% कभी अटेंडेंस पूरा नहीं किया, फिर भी उन लोग ने एग्जाम दे दिए। कॉलेज वाले जाने देते हैं, क्योंकि अगर जो फॉर्म रोका जाएगा तो कॉलेज वाले को इसका रिपोर्ट ऊपर बना के भेजना चाहिए कि ये बच्चे को आपने पहले से इत्तला किया था कि नहीं, पेरेंट्स को बुलाया था कि नहीं, उसका सिग्नेचर मांगेगा एंड मेनी मोर थिंग्स फॉर्मेलिटीज। तो कॉलेज भी झंझट में पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि लिख दो ना सब बराबर है, एग्जाम भी हो गई, बच्चा पास फेल जो होना हुए। मतलब सच्चाई गायब है, फॉर्मेलिटी में सब कुछ कंप्लीट है देख लो, और कोई वो देखने नहीं आता है, कोई ऊपर से डिपार्टमेंट से कोई बच्चे को पूछने नहीं आता है कि भाई तुम था नहीं था, तुम्हारा अटेंडेंस ऐसा बोलता है वगैरह, कोई ऐसे वेरिफिकेशन नहीं करता है कि वो दिन को तुम गया था कि नहीं गया था, भाई तुम्हारा तो इधर प्रेजेंट है कि तुम्हारा एब्सेंट है। सब्सटेंस मतलब सच्चाई ओवर फॉर्म। आज की तारीख में सब रिपोर्ट्स वगैरह बना दिया जाता है और कभी कभी सच्चाई मार खा जाती है बाबूजी। तो हम लोग को देखना चाहिए कि जो भी रियलिटी है, सब्सटेंस है, सच्चाई है, महत्व की बात है भाई साहब, दैट शुड बी डिस्क्लोज, दैट शुड नॉट बी ओमिटेड। मैं आपको यहां एक उदाहरण देता हूं बाबूजी, एक उदाहरण जरा सुनना जो बुक में भी है। भाई साहब मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, तो मैं खरीद रहा हूं, सेलर को पैसा दे रहा हूं, चेक से पेमेंट हो गया बाबूजी, एग्रीमेंट बन गया कि हाँ मैं खरीद रहा हूं तू बेच रहा है, ये रहा पैसा, मेरे को उसे चाबी दे दिया, मैंने प्रॉपर्टी में कब्जा ले लिया, पैसा दे दिया, एग्रीमेंट बन गया। अब सुनना, ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि पेमेंट हो गया, एग्रीमेंट बन गया, मेरे नाम का प्रॉपर्टी हो गया। देखना एग्रीमेंट में, भाई साहब मैं तेरे को बताता हूं, एग्रीमेंट में तेरे नाम पे हुआ है, लेकिन क्या जो प्रॉपर्टी तूने जो सोसाइटी का लिया है वो सोसाइटी के रजिस्टर में तेरा नाम गया, उसके शेयर सर्टिफिकेट में तेरा नाम गया, क्या तूने जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह भरना था वो बराबर भर के फॉर्मेलिटी पूरी किया, मान लो ये सब नहीं किया, चाबी मिल गई, प्रॉपर्टी तेरे को मिल गया, तूने पैसा दे दिया, मतलब एक बाजू से ट्रांजेक्शन तो हो गया अकाउंट की वजह से, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी अभी भी अधूरी है बाबूजी। सोसाइटी के रिकॉर्ड में वो सेलर का नाम है, शेयर सर्टिफिकेट पे वो सेलर का नाम है, अभी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होना चाहिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो नहीं किया। देखो हर चीज आपको प्रॉपर करनी चाहिए, पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी की चाबी ले लिया, हो गया ना अकाउंट का एंट्री हो गया, तो मैं इतना ही बोलूंगा बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं, जो अधूरी बात है ना वो भी रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि प्रॉपर्टी ले लिया लेकिन इतना इतना काम अधूरा है। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी हो गई, ट्रांजेक्शन हो गया, एंट्री पास हो गई, बाबूजी कुछ सच्चाई आपने छुपाई है, रजिस्ट्रेशन किधर हुआ, स्टैंप ड्यूटी का क्या, सोसाइटी के आपने शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम कहाँ चढ़ा है, सोसाइटी के रजिस्टर में आपका नाम कहाँ आया है, ये भी तो फॉर्मालिटी है और ये तो बहुत जरूरी है। सेलर को पैसा मिल गया, देखो सेलर छुट्टा हो गया, सेलर भाग जाएगा क्योंकि उसको तो प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया, लेकिन जो काम आपने अधूरा रखा है उसका क्या, और उसके वजह से आज भी प्रॉपर्टी शेयर सर्टिफिकेट सेलर के नाम में खड़ा है सोसाइटी के। तो यहां फॉर्मालिटी ऊपर ऊपर से दिख रही है,
चेक भी तो दे दिया, प्रॉपर्टी का कब्जा भी तो मैंने ले लिया ना, देखने को तो बहुत कुछ हाँ हाँ है, लेकिन कुछ चीजें जो मेन बाकी है वो रिपोर्ट में लिखो कि दिस वर्क आर पेंडिंग विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली वगैरह, ताकि रीडर को सच्चा मालूम पड़े कि तुमने कुछ छुपाया तो नहीं है। हो सकता है कल को बाबूजी सेलर मर जाए, भाग जाए, आगे वो आपको कोऑपरेट नहीं करे, ऐसा बहुत बार हुआ है जी, क्योंकि उसकी सिग्नेचर कुछ जगह पे जरूरी थी रह गई है, पैसा दे दिया अपन ने, प्रॉपर्टी ले लिया, लेकिन बाद में क्योंकि तो तकलीफ आप ही को है, इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ये चीज मेंशन करना चाहिए। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब अपन न्यूट्रल रहना चाहिए, अपन अपना ओपिनियन नहीं डालने का, ये मैं पहले ही बोला, देयर शुड नॉट बी एनी बायस, देयर शुड बी फ्री स्टेटमेंट फ्रॉम द बायस, सच्चा मुक्त स्टेटमेंट लिखो, अपना अंदर ओपिनियन मत डालो बाबूजी, लेट द रीडर टू टेक द डिसीजन फर्दर। प्रूडेंस बाबूजी, प्रूडेंस मतलब होशियार, चौकन्ना, चालाक बाबूजी, हर चीज बराबर रिपोर्ट में लिखने का, प्रूडेंटली होशियारी से, कुछ रह नहीं जावे बाबूजी, मतलब प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ डिग्री ऑफ कॉशन, मतलब सावधानी इन द एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट। बाबूजी सावधानी रखनी चाहिए, अपन भी कोई जजमेंट लेवे उसके ऊपर कि सामने वाले को अपन गलती नहीं करा बैठे। आई रिपीट द सेंटेंस, प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ अ डिग्री ऑफ कॉशन। बाबूजी कॉशन मतलब सावधानी, कि आप जो भी चीज लिखो उसके ऊपर सावधानी से खुद का भी जजमेंट लीजिए, रीडर को भी जजमेंट लेने दीजिए। बाबूजी कोई भी इनकम को ज्यादा मत बताइए, कोई भी लायबिलिटी को ज्यादा मत बताइए, देयर शुड नॉट बी ओवर इंक्लूजन और ओवर एस्टिमेशन ऑफ द लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और एनी अंडर एस्टिमेशन। ओवर भी नहीं बताने का, अंडर भी नहीं बताने का, मतलब प्रूडेंट जो है वो सच्चाई आप बताइए, क्योंकि गलत लिखेंगे तो सामने वाले को निर्णय सही नहीं ले सकता है वो। फर्दर फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब शो करना, बताना। फुल फेयर, फेयर मतलब सच्चा, फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोजर पूरा दीजिए। डिस्क्लोजर मतलब हर हर जो जरूरी छोटी मोटी बातें हैं आपको प्रॉपरली लिखना है कि भाई अकाउंट्स कैसे बनाए, प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो किए कि नहीं, जो भी इकोनॉमिक रियलिटी है, सच्चाई है रिलेटिंग टू मनी वो शो करिए। बाबूजी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो किया है, कैसे किया है बाबूजी, अकाउंट मस्ट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी जरूरी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, इंफॉर्मेशन दीजिए बाबूजी, जरूरत लगे तो अकाउंट के नीचे फुटनोट लिखिए, नोट, फुटनोट, और जरूरत लगे तो एनेक्सचर। एनेक्सचर का क्या मतलब होता है, जो लिखा है ना उसके साथ साथ कुछ एक रिपोर्ट जोड़ना, नीचे नोट लिखना इसको फुटनोट, और लगता है कि नहीं थोड़ा ज्यादा है तो रिपोर्ट आगे है उसके पीछे कुछ अटैच कर लो, दैट इज कॉल्ड एनेक्सचर। अब ये क्यों जरूरी है, ताकि सामने वाला जो पढ़ेगा ना, फुल मेरा शब्द था ना, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, फुल पूरा, फेयर योग्य, एडिक्वेट जो जरूरी है, डिस्क्लोजर यानी बताना, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। नोट लिखो, एनेक्सचर लिखो, एक्सप्लेनेशन दीजिए, कुछ भी हाइड मत कीजिए। और 11वां आखिरी पॉइंट है बच्चा, कंप्लीटनेस। बाबूजी आपका रिपोर्ट, आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट रखो यार, कोई बात अधूरी मत रखो, आपका काम है उसको प्रॉपरली पूरा कीजिए, अधूरा रख के आप उसको कैसा संदेशा देंगे। सो कंप्लीटनेस इज द 11th लास्ट पॉइंट, इफ इट इज इनकम्प्लीट देन इट विल बी मिसलीडिंग। बाबूजी एनी डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कुछ कमी, दैट रिजल्ट इन टू मिसडायरेक्शन। आप कोई बात कभी उसमें रखोगे तो बाबूजी मिसडायरेक्शन हो सकता है। जो भी एग्जाम्पल है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के जो जरूरी है वहां डिटेल में लिखने चाहिए।
भाई साहब मैं एक और आपके सामने कंप्लीटनेस का उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनना, इसमें जो लिखा है अच्छा है। हमने एक हमारी प्रॉपर्टी बेचा नकुल भाई, अब देखना प्रॉपर्टी बेच दिया, पैसा मिलेगा, ले लिया। वो पार्टी ने वो प्रॉपर्टी खुद के नाम भी करा दिया, सब फॉर्मेलिटी उसने बायर ने कर दिया, हमने भी साइन बीन कर दिया, उसने भी वो जो स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन ये वो सोसाइटी शेयर डॉक्यूमेंट सब 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 हो गया। अब देखना हमने उससे क्या एक शर्त रखा था, कि हम ये प्रॉपर्टी तेरे को बेच रहे हैं, हमको पैसा मिल गया, एवरीथिंग ओवर एंड फाइन। भाई साहब अपने को ये देखना है कि ट्रांजेक्शन लिख लिया, लेकिन अभी देखना इसमें क्या एक झोल था। हमने बेचा, सामने वाले बायर ने खरीदा, अभी हमने उससे क्या कंडीशन रखा था मालूम है? हम ये प्रॉपर्टी तेरे को बेच रहे हैं, तू हमको पैसा दे रहा है, यू बिकम द ओनर, लेकिन हमारा कंडीशन था ये प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहेगी और हम ये प्रॉपर्टी का तुझे भाड़ा देंगे, मतलब वो ओनर हो जाएगा, हम भाड़ूत हो जाएंगे। पहले कल तक हम ओनर थे, आज वो सामने वाला ओनर हो गया और मैंने ये प्रॉपर्टी अपने यूज में रखा है और मैं भाड़ूत हो गया। बाबूजी ये ट्रांजेक्शन, मैं भाड़ूत हो गया वही प्रॉपर्टी में हूं, ये मुझे बताना चाहिए। आप बोलेंगे सर बेच दिया ना आपने तो लिख लिया, अरे भाई वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरे कब्जे में है और उसका मैं अभी भाड़ा भर रहा हूं, इट मस्ट बी शोन। बाबूजी इसी को बोला जाता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप बोलेंगे सर ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना तो ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी बेच डाला। बाबूजी वो एक ट्रांजेक्शन था, लेकिन हमारा जो कंडीशन ये था, बाबूजी आप वही प्रॉपर्टी में भाड़ूत बन के खड़े हो क्यों? अगर जो आपको ये प्रॉपर्टी में भाड़ूत बन के रहना था तो फिर बेचा क्यों? समझ में आया? देखो कैसा आपको डाउट निकलता है, जब प्रॉपर्टी बेच दिया उसका हो गया, पैसा ले लिया हो गया ना, ट्रांजेक्शन लिख लिया ना, कोई गलती नहीं है ना, लेकिन मैंने उसी से वही प्रॉपर्टी भाड़े पे रखा है एंड स्टिल आई एम पजेसिंग द प्रॉपर्टी, नाउ आई एम टेनेंट प्रीवियसली ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई वॉज द ओनर, अभी मैंने बेच डाला, पैसा आ गया, उसमें तो गफला नहीं है। लेकिन बाबूजी ये ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ गफला दिख रहा है, आप अगर जो भाड़ूत बन के यहां पड़े रहना था, ये प्रॉपर्टी आपको रखनी थी तो बेची क्यों? एक्सप्लेनेशन देना चाहिए जो भी सच्चा कारण है। देखो कुछ हो सकता है ना झूठा वगैरह, जो भी आपको खुद को लगेगा हाँ सर कारण प्रॉपर होना चाहिए, एंड इफ नॉट देन इट इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस आपको समझेगा। खाली वो ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा आ गया, बात खत्म हो गई ना सर, ये भी एक तरीका है बोलने का, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने अपने पास रखी है, अभी मैं भाड़ूत हो गया, मैंने उसको जब बेचा तभी उससे कंडीशन रखा था कि तू ये मुझे भाड़े पे देगा, तो ये बात भी मुझे रिपोर्ट में लिखनी चाहिए थी और नहीं लिखता है मतलब इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो बाबू जी दिस वॉज द 11th क्वालिटी, मैंने बहुत सी चर्चाएं की है, इन्होंने बहुत लिमिटेड वे से किया, मैंने बात खोल के रखा है। बाबू जी मैं जरा आप लोगों को भी यहाँ बोलने का निमंत्रण दूंगा, अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ ये टॉपिक 100% समाप्त हो गया। आपको कुछ पूछना है तो, क्योंकि 11 पॉइंट है बच्चा, पहले वो कैपिटल रेवेन्यू खत्म किया, अभी ये 11 पॉइंट्स थे क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें जो पहले चार थे अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल 11 क्वालिटीज थी, फुल थियरी है, मगर आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे है ना कि जो खुलासा चाहते हैं। पूछना है तो नकुल भाई सर एक बार 11 पॉइंट एक और बार प्लीज। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब क्या? हर जानकारी कंप्लीटली दीजिए। अभी कंप्लीटली का मतलब आप लोग कैसे पकड़ेंगे कि सर लेती देती हो गई, ट्रांजेक्शन हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गया तो कंप्लीट हो गया ना, चेक भी तो आ गया, अभी क्या रोता है आप। लेकिन जब ये मैंने प्रॉपर्टी बेचा, जिसने खरीदा उसके साथ मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट रखा था,
ये प्रॉपर्टी तो मुझे भाड़े पे देगा, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी आई पजेस द प्रॉपर्टी, आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी, नाउ आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी एज द टेनेंट, प्रीवियसली आई वॉज ऑक्यूपाइंग एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी एज द ओनर। तो मैंने बेच डाला, चेक आ गया, ट्रांजेक्शन हो गया, लिखाई पड़ी हो गई, तो बराबर ही है ना, इतना बोल दिया तो खत्म हो गया ना। तो क्या नहीं, आपने पीछे की हकीकत भी बोलना चाहिए था कि जिसको बेचा है उसके साथ आपने एक एग्रीमेंट रखा था कि तू मुझे ये प्रॉपर्टी भाड़े पे देगा और मैं बाद में इसको इस्तेमाल करूंगा, ये चीज भी बोलना जरूरी था। नहीं बोलता है मीन्स इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर जो मैं ये बोलेगा ना तो कोई मेरे से सवाल उठाएगा, क्या उठाएगा मालूम है, सर अगर जो आपको प्रॉपर्टी रखनी थी, यूज करनी है, ऑक्यूपाई करनी है, तो फिर बेचा क्यों? तो मेरे ऊपर अंगली उठेगी ना, तो ये अंगली नहीं उठे, इसलिए मैंने क्या किया, पहला ट्रांजेक्शन दिखाया, दूसरा ट्रांजेक्शन बोला ही नहीं। आप आर्ग्यूमेंट कर सकते मेरे से बच्चा? यस सर, समझा। हाँ, क्या मजा तो ही आता है ना कि मैं जो बातें रखता हूं ना उसमें तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि बात में कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि जो समझे तो मजा आवे, और ये लीगल मोर्चा खुलता है ना उसके पीछे यही सब कारण होते हैं कि वो एक हकीकत बोलता है, कुछ हकीकत छुपा के रखता है जो अपने को जरूरी नहीं लगता है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे कुछ राज है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियां है। मेरे को भी नहीं करना है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हमारे पास बहुत सारे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ खुलासा बाद में से मालूम पड़ता है कि साला कितना शाना इंसान था, लेकिन आपको लगता है कि खाली मैंने पहला ट्रांजेक्शन बोल के खत्म कर दिया और दूसरा ट्रांजेक्शन चुप रहा, मींस रियली स्पीकिंग आई एम गिविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये सत्य तथ्य है। कुछ बेटा पूछना है पूछो। नो सर। नो सर। ठीक है बच्चा, अगला लेक्चर भी थोड़ा थियोरी का रहेगा, जो भी प्रैक्टिकल मुझे साथ में लेना है मैं लेता रहूंगा। अल्टीमेटली मेरा काम है आपको समझे, आपका खोपड़ी भी बढ़े और सिलेबस भी आगे बढ़े, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको चिंता नहीं करना, लेकिन थोड़ा रिवीजन करते रहना बच्चा। थैंक यू।